కాలంలో छठा सब के जो है कुछ समाप्ति का अंतिम में चल रहा था, जितने का हम लोग ये श्लोक हम अध्ययन कर रहे थे। नमो देव दामो नारायण विष्णु असीद प्रभु दुख जलाभूम कृपादृष्टि दृष्टाति दिनम बतामि गृहाणे सह मामकं मे यत्पि दृश्य। हे देव दिव्य रूप वाले, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत महाशक्तियुक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे मेरे परम स्वतंत्र ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं संसार दुख समूह समुद्र में डुबा जा रहा हूँ, अतः आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा होकर उनका दिन ही अवगत शरणागत जमकर अनुग्रह कीजिए, यह मुझे साक्षात रूप से दर्शन मिले। इसी पर हम लोग का भी श्रवण किया था। ये सत्यव्रत मन की भाव माधव जब कैसे बढ़ करते दस सख मसल होकर के धीरे धीरे माधव जो रस में ही जा रहा है। गोपियों की भाव माधव जो प्राप्ति करने के लिए इतने उत्कंठित यह उत्कंठा ही भजन चातुर्य कहा जाता है। भजन तो सभी करते हैं, किंतु भजन की एक चातुर्य होनी चाहिए। चातुर्य चतुर्था, यही भजन चातुर्य है, इसे कहते हैं उत्कंठा कहा जाता है। अरे केला अंदर अपन बंदर ले जाए इस प्रसंग प्रसंग में उत्कंठा मई प्रेम के बारे में हम आलोचना करते हुए कहा था, परंतु के तीन प्रकार के प्रेम है। एक है विश्रम्भ प्रेम, विवेक शून्य प्रेम और विश्रम्भ प्रेम, और दूसरी उत्कंठा। पेड़ पौधे पशु पक्षी के जो प्रेम आदि का उसे कहा जाए विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। और सखा आदि को कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ घनिष्ठ युक्त सबका जो प्रेमी है उसे कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम। तीसरी कहा जाता है उत्कंठामय प्रेम, जिसमें विधा दशा में वे लोग साक्षात रूप में कृष्ण दर्शन करना चाहते हैं। किसी प्रकार सांत्वना वाक्य आदि के द्वारा उनको उनकी प्रेम को जो है संबोधित मैं ये नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। इसके बारे में हम कहा था, ये विशेष करके गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ विरह यही प्रेम कहा जाता है। इसी प्रेम प्राप्ति आदि करने के लिए सत्यव्रत मणि नाम संकीर्तन की ही सहारा ले रहे, क्योंकि नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवत प्रेम जगत में उदित होता है। विशेष करके कलयुग में एकमात्र नाम संकीर्तन हरे नाम हरेर नाम ही केवल कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर्विमुक्ता
इस कलयुग में और किसी के द्वारा संभव नहीं है, एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए उन्होंने प्रभु के अनेकों नामों को लेकर के पुकार रहे हैं, जिसमें विशेष करके हम लोग ने श्रवण किया, उसमें कहा है हे देव, हे दामोदर, अनंत, विष्णु, ये समस्त नाम लेकर के भगवान के पुकार रहे। इसके एक एक शब्द के अर्थ हम कल भी व्यक्त किया, देव शब्द के अर्थात सबके हृदय में क्रीड़ा करने वाले, दिव्यति क्रीड़ाई थी। दामोदर शब्द की भी हम लोग भी काल श्रवण किया, एक राधा दामोदर, एक यशोदा दामोदर के बारे में, विष्णु के बारे में भी हम लोग व्यापक स्थिति, विष्णु सर्वत्र जो है विराजमान होते हैं, विष्णु कहा जाता है, अथवा रासस्थली में कृष्ण एक गोपी से दूसरे गोपी के साथ कैसे क्रीड़ा आदि करते हैं अत्यंत द्रुत गति से, इसलिए उनके लिए विष्णु कह करके पुकार रहे हैं। और जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन किया, विकृतम वज्रबुध इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नात् वर्णेरथ भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगम आसु अपहृति अचिरेण धीर। धीर बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है इस राजलक्ष्मी को कथा को जो है शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रवण करते हैं, इसे सुखदेव गोस्वामी पादमान अंगुली निर्देश करके ही करें इदंते विकृतम बजे इदंत विष्णु, ये ब्रजबधुओं के साथ, ब्रजगोपियों के साथ, कृष्ण के साथ जो राजला में जो लीला आदि हुई वो इतने सुंदर मधुर, उसे क्या वर्णन करें, क्योंकि कृष्ण की जितने लीलाएं हैं सर्वोत्तम लीला राजलीला कहा जाता है। जय जय जल रस सर्व रस सार पारकिया भावी जता ब्रज के प्रचार, और यही ब्रज लीला व राजलीला पारकिया भावों के द्वारा ही उज्जवलित होता है, उज्जवलित प्रकाशित होता है। ये ब्रज छोड़ करके और कहीं एक प्रकाश नहीं है, ये ब्रजगोपियों के साथ कृष्ण की जो राजलीला है ब्रज छोड़ करके और किसी स्थान पर नहीं है, मर्त जगत में तो संभव ही नहीं है, माने मर्त जगत स्त्रियों के साथ ये तो संभव नहीं है। और स्वर्गवादी लोक में सुंदर सुंदर कमल गंध जहां पर स्त्रियां भी रहती है उसके लिए भी संभव नहीं है, वैकुंठ आदि में जो लक्ष्मी आदि विराजमान रहते हैं उनके लिए भी संभव नहीं है, अथवा द्वारिकापुरी में 16108 पाठरणिया जो है उनके साथ में राजलीला प्रकटित राजलीला संभव नहीं है। एकमात्र राजलीला के वर्णन कहा गया गुरु वृंदावन में, वो भी सूक्ष्म में देखे गुरु भी में नहीं है, कहां पर वृंदावन में। इसके विकृतम बधुई दंत विष्णु श्रद्धान्वित तो इस कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए, अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण तो सभी करते हैं, किंतु श्रवण की एक विधि दिखाया गया अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के साथ, और अनुसन्नात साधुओं के सन्नात संत महात्मा के मुखारविंद से कथा श्रवण करना चाहिए, अनुसंधान निरंतर श्रवण होनी चाहिए, नॉट वंस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड लिसन स्टेडफास्ट टेंस डिवाइन लव ऑफ राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की यही जो सुंदर मधुर लय को बार बार श्रवण की कथा करते निकालना,
जिस प्रकार चावल से उसके भूसा अलग करने के लिए जैसे बार बार उसे कुटाया जाता है उसी पर से कुटाया जाता है, जब तक चावल से उसके छिलका अलग नहीं हो जाए तब तक क्या करना पड़ता है, उसको बार बार कुटना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार करें हम, कब तक इस कथा को हम श्रवण करें, बोले जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम उदित नहीं हो। बोले कब तक प्रेम उदित नहीं है, जब तक नहीं होगा। तो फिर कह रहे अच्छा प्रेम उदित हो जाए क्या हम इस कथा को छोड़ देंगे, बोले वो भी नहीं, क्योंकि भगवत कथा जो निरंतर कार्य है, निरंतर भगवत की कथा जो निरंतर, ये कहते तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विलितम कलमसापम श्रवण मंगलम सिमदातम भूमि गृहंती ते मृदा। भगवान की कथा जो अमृत है, और अमृत के कोई एक बार जब पान कर लेते हैं पी लेते हैं वो तो अमर ही बन जाता है, और उसको छोड़ नहीं पाते। बोले भगवत कथा की एक बार भी पान कर ले कथा मृत के कर्ण टूटे, कानों के द्वारा भगवत कथा रूपी अमृत को पी ले गई और कैसे वो पीते ही रहेगा अनंत काल तक, भगवत कथा पीते रहे। इसके संदर्भ में गोपियां भी कहती हैं ये कृष्णा जानबूझ करके अपने अधर्म रूप को हमको पान कराया है, क्योंकि कृष्ण की अधर्म रूप को यदि एक बार पान करे है और वो अमर बन जाए सकृतों की एक बार, और वो कथा को पान करने से वो अमर बन जाता है, फिर वो तड़पता रहता है। आज भगवान आप जी देखो हम तो कितने बार सुन लिया, सुना कि नहीं सुना, किंतु वास्तव रूप में हम लोग ये श्रवण ठीक से नहीं हो रहा है। यदि एक बार हम श्रवण कर लेते तो हम लोग क्या हो जाए, पागल हो जाते। ब्रज को भी भाव वही भी स्वभाव अनुभव आ रही है। भक्ति विनोद ठाकुर करें जी भगवान की इसे अमृत मध्य कथा सुनकर के ब्रज गोपियां गोपियां क्या हुई, पागल नहीं हुई ब्रज गोपी देवी का मैट, क्योंकि भागवत कथा में तो उसी है वो। हम विषय कथा सुनते हैं और फिर भागवत कथा भी सुन लेते हैं, इसे कहते हैं विषय चर्चा परी हरी मुखे बोलो हरी हरी। विषय कथा को त्याग दे करके एकमात्र गोविंद की कथा श्रवण करो। उद्धव आदि बड़े बड़े महाजन सुशासन भी कीर्तन करते हैं, ये साधु संग में रह करके हे प्रभु आपके ऐसे अमृतमय कथा को मैं श्रवण करते रहो। कम से कम ब्रज में हमें तीनों गुरु लता आदि होकर जन्म हो जाएगा। असाम हो चरण रेणु जुसाम वृंदावन की गुलम लतोषी दिन जा दुस्त सजन आर्ज पथन चित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति विविग्रम वंदे नंद ब्रज स्त्रीनां पाद रेणु अभिक्ष्म जासंग हरि कथो गीतम पुनाति भुवनत्र। उद्धव जी कह रहे जीवन में एक ही आशा है बस, वृंदावन में
वृक्ष लता की नहीं करें, वृंदावन में किसी गुल्म लता होकर के मेरा जन्म हो जाए, छोटे छोटे घास पौधे होकर के मेरा जन्म हो जाए। तो यह प्रकार यदि कहो वृक्ष वृक्ष के लिए क्यों नहीं करें, वृंदावन में वृक्ष होकर मेरा जन्म हो जाए। उद्धव क्या प्रार्थना करें, मेरे वृंदावन में क्या होगी होने की जन्म प्रार्थना कर रहे, गुल्म लता औषधि नाम है वृंदावन किमोपी गुल्म गुल्म लत औषधि नाम। बोले देखो वृक्ष होकर जो जन्म हो जाए तो वो क्योंकि चरण धूल प्राप्त करना दुर्लभ हो जाएगा है? क्योंकि वृक्ष ऊंचे होते हैं और कृष्ण कृष्ण के प्रति प्रेम प्रेम में विहल होकर के गोपियां पागलिनी पागलिनी के भांति अब दौड़ते हैं, तो अब गोपियां देखते नहीं है ये लता है कि गुल्म है कि घास है। तो स्वाभाविक रूप में गोपियों की चरण स्पर्श अपने आप हो जाता है, वृक्ष हो तो होगा ही नहीं होगा, वृक्ष ऊंचे होते हैं गोपियां प्यार कैसे रखेंगे। इसलिए कह रहे हैं गोपियां जिस धरती पर वृंदावन में जिस धरती पर पैर रख करके दौड़ती हैं उसी स्थान पर घास होकर के मेरा जन्म हो जाए। बोले इससे क्या हुआ, एक तो अति सहज रूप में गोपियों की चरण धूलों में मस्तक पर प्राप्ति हो जाए और दूसरी क्या है ना गोपियों की हम सेवा भी कर देंगे। कैसे सेवा कर देंगे ना लता भी लता आदि होने के नाते वो नरम होता है, इसलिए गोपियों की चरण कमलों में उसको सेवा हो जाए। पत्ता जो है बहुत कोमल होता है, कौन सा पत्ता बहुत कोमल होता है देखा है? चलो पालक पालक है ना, पालक की पत्ता कोमल होता है, पालक होके जन्म पत्ता होता है, गोपियां उसमें चरण डाल देंगे और उनके गोपियों की चरण सेवा भी हो जाएगी। कई कई पत्ता होते हैं मेरे कहने के, कोई कई पत्ते पत्ते जो होते हैं बहुत कोमल होता है और गुदगुदा युक्त होता है, कृष्ण के चरण सेवा भी हो जाए। वास्तविक सत्य है कि नहीं, ये भी हमारे टीकाकार वर्णन करते जा रहे हैं। और विशेष करके कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके गोपियां जो महाभाव में विवाहित हो जाते हैं तो उस समय गोपियां देखती नहीं है ये कहां पगडंडी है किस तरफ जाना है, उस समय गोपियां की कैसे करते हैं सीधी चलती है, वो लोग सीधी चलते हैं देर टू देर कंप्लीट स्टेट। अच्छा बात ही सही है कि और समय तो मानो टेढ़े मेढ़े करके चले किंतु गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही गोपियां इतने उत्कंठित हो जाती है और सीढ़ी चलती है कहीं देर ना हो जाए। जंगल के रास्ता तो पगडंडी रास्ता तो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं घूम घाम करके सरपाक कर दिए, किंतु इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाने में गोपी के समय लग जाएगा, इसलिए गोपियां क्या करती है सीधी रास्ता चलता है। इसलिए इस श्लोक में भी उद्धव भी प्रार्थना करें वृंदा असाम चंद्रेणु जुसाम सम वृंदावन कुंभी गुलमो लतो शिरिना है गुलमो लता औषधि आदि होकर के जन्म। औषधि किसको कहा जाता है, जो पेड़ जो एक बार फल दे करके मर जाता है उसके औषधि का समझ में, जैसे धान गेहूं एक बार ही दे देते हैं पक जाए वो मर जाए अपने आप सूख जाए, देखिए हम कैसे आम जामुन आदि ये सब फलदार बिक रहे हैं अनेक दिनों तक फल देते रहे सीजनियल जो होता है 8 साल 10 साल 20 साल तक फल देते हैं, किंतु धान के पौधे हो गेहूं के पौधे हो
बीज पकने के साथ ही साथ वो अपने आप भी सब मर जाते हैं। तो उसी प्रकार कह रहे हैं जे गुलमो लतोसी देना ऐसे वृंदावन की जो है गुलमो लता और औषधि होकर मेरा जन्म। अच्छा औषधि शब्द कहते हैं मेडिसिन नहीं, औषधि के शब्द क्या बताया, एक बार फल देकर के जो वृक्ष जो मर जाता है उसे कहा जाता है औषधि का। भेजुर मुकुंद जा दुष्ट जो सज्जन आर्ज पतन चेहत्वा गोपिया ने कह कि अत्यंत दुष्ट अपने सजन सजनों को त्याग दे करके गोविंद के पास पधारे, अपने माता पिता भाई बंधु सबको त्याग दे करके भगवान के पास जाना बहुत कठिन है। शरीर से तो त्याग देते हैं किंतु मन से त्याग देना और भी कठिन होता है। भले ही वो कुछ संन्यास भी ले ले यानी माता पिता से बिछड़ करके आ जाए किंतु मन संसार में पड़े रहे तो संभव भगवंत की प्राप्ति करना संभव नहीं है। किंतु गोपी ने क्या जा दुष्ट जो सजन आर्ज पथन च हित्वा गोपिया ने कह कि अपने स्वजन आर्यपथ आदि त्याग दे करके एकमात्र मुकुंद के चरण रेणु की प्राप्ति करने के लिए वृंदावन में कैसे दौड़ रहे। ता दुष्ट स्वजन अर्जुन दत्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी मृगम यह तक भी कर रहे हैं श्रुतियां भी वह रास्ता को प्राप्ति करने के लिए आज तक भी कुछ भी कर रहे हैं। श्रुति भी मृगम मृगम ने खोजना पूरी रास्ता को खोज रहे जिस रास्ते में गोपियां पधारे। वंदे नज ब्रजस्ते वंदे नंद ब्रजस्ते नान पादरुनु अभिक्षण सर जा सांगरी कतु गीतं पुनाति भुवनत्र। और ऐसे वर्णन करते करते सप्तप्रथम मुनि नंद ब्रज स्त्रियों की बार बार प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नान पाद रेणु अभिक्षण सर अहो गोपियों की वो चरण रेणु कैसे सुंदर है मुद्राकृति वो क्या वर्णन कर जासंग हरि को तो गीत हो पुनाति भुवनत्र संसार में संसार को पार करके भगवान की प्राप्ति के लिए एकमात्र नित्यानंद के चरण आश्रय से संभव है। जिसको संसार पार होइया भक्ति सागर जे से डूबू निताई चंद्र नतम दास ठाकुर करें ये संसार को हम कैसे त्याग दें। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार जिनके साथ हमारे इतने प्रेम प्रति हो ये सारी कथा है जिसके साथ प्रेम हो जाता है और उनकी स्मरण उनकी चिंतन उनकी दी है वस्तु हमें क्या लगता है अच्छी लगती है ये सारी कथा। इसलिए वंदे नंद वसलम पाद विष्णु जसन हरि कथोगितो पुवान पुनाति भुवनत्र वो गोपियों की जो जीवन चरित कथा है इस संसार को जीवों को यह पवित्र करने वाले है। पुनाति भुवन त्रय पुनाति पवित्र त्रिभुवन के जो है वो पवित्र करते नंद ब्रज स्त्रीना नंद गुगुर में ब्रज स्त्रीगण उनकी चरण पाद रेणु अविक्षण जासम हरि को पुनाति हो न त्रयम। और विशेष करके वही कथा को कृष्ण के ऐसे मधुर कथा को सुंदर लिपिबद्ध करके और गीत आदि के द्वारा गायन होना चाहिए। ये पुनाति हो न त्रयम
इसके अंदर त्रिभुवन की क्या करते थे, पवित्र कर देते, वैकुंठ जगत और द्वारका और गुरु वृंदावन, ये तीन जगत के जो है गोविंद की कथा मृत क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। अथवा सर्प मर्त पाताल, ये तीन जगत के भी पवित्र करते हैं। गोविंद की कथा इतने मधुर और उसके सुनने से प्रश्न प्रेम और साथ ही साथ मोक्ष तक भी प्राप्ति हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं एकमात्र साधु संघ के द्वारा ही उस रस माधुर्य के जो है आस्वादन कर सकते हैं, क्योंकि बिना साधु संघ से रस माधुर्य आस्वादन नहीं है। तो साधु को बोतल के अंदर में तो रखा गया, उसको निकाला ही नहीं कैसे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं पक्खन प्रदेश में, शहर जो एक व्यक्ति जो अच्छे अच्छे शहर जो है संग्रह किया और संग्रह करके क्या की ना, एक बटल के अंदर रख दिया है। वो बटल कैसे था, कांच का था, उसे सारे दिखाई पड़ रहे हैं है? अच्छे, और उसको देख करके भौरे अथवा मधुमक्खी आकर के क्या करने लगे, मार मार भनभन भनभन कर, किंतु मधुमक्खी के प्राप्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि एक तो बोतल के अंदर में है और दूसरी वो बोतल के कॉर्क जो है टाइट करके रखा गया है, समझ लो। तो उस इसलिए कह रहे हैं वह मधु क्या बोले, सुंदर मधुर जीव रस व भाव को प्राप्ति कैसे करें ना, ऐसे रसिक वैष्णव के साथ बैठा। इसलिए कहते तार भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनस। रघुनाथ दास गोस्वामी भी बता रहे ये अनारद्ध राधा पदम्बुज रेणु अनासित वृंदा अरवी सदांकम असंभस तद्भाव गंभीर चित्ता कुत श्याम सिंधु रस सावका हो, कुत श्याम सिंधु रस सावका हो। कोई यदि कहे जे मैं श्याम रस में अवगाहन करना चाहता हूं, डुबकी लगाना चाहता हूं, वो कैसे डुबकी लगाएंगे, ये तीन नियम के पालन करने का रे। ब्रज में एक राधा जी के चरण कमलों में एकांत की वास, दूसरी ब्रज भूमि में वास होनी चाहिए, वो भी ब्रज भूमि कहां, राधा आधिपत्य भूमि जहां पर राधा जी की आधिपत्य है विस्तार, वही वह स्थान पर होनी चाहिए राधा आधिपत्य। और तीसरी क्या क्या, ऐसे रसिक वस्तु से निकाल बैठ करके रस माधुर्य कथा को आस्वादन और उसके बार बार लेहन करते रहे, लेहन चर्चा यात्री मतलब क्या, मैंने उसी कथा को बार बार कीर्तन अधिक श्रवण और कीर्तन, कोई श्रवण करते कीर्तन नहीं करते हैं, कीर्तन करते श्रवण नहीं करते। इसलिए भक्तों ठाकुर करें ने श्रवण कीर्तन करो, तुम्हें जगत ही गुरु तुम्हें जगत ही राज्य। बड़े भगवत कथा मृत के कैसे लेहन कैसे कर, लेहन जानते है? हम लोग खीर जो है थाली में रह जाता है तो उसके हम लोग ऐसे जिया दे करके चाटते हैं बार हाथ में शहद लग जाए उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे चट चट कर खाते ले। इसमें कभी कभी ये कथा सुनाता, एक राजा था और उनके एक मंत्री बहुत रसिक मंत्री था, राजा कहीं कहीं युक्ति जो स्थापन करते थे मंत्री क्या करता था, कर जाता था उसके युक्ति को वो
खंडन कर देते थे। मंत्री बहुत बुद्धिमान थे, समझ में। राजा कोई भी युक्ति स्थापन करते थे और मंत्री उसको खंडन करते थे। राजा परेशान ये हो गया, परेशान तो हो गया, क्योंकि सब लोग मंत्री की तरफ थाली ताली वाला बजाने लगे, राजा के हंसी मजाक उड़ाने लगे। इसलिए राजा मन मन के मैं कम से कम ये मंत्री को जो है मैं परास्त करता, कम से कम प्रजा लोग तो मेरे लिए एक बार तो ताली बजाए। अच्छा, राजा ऐसे विचार करके किया कि प्रातः काल में स्नान आदि करके जल्दी जल्दी ही राज सिंहासन में बैठ गए। और राजा बैठने के साथ ही साथ उनके सारे मंत्री लोग भी चारों तरफ घेर करके बैठ गए, प्रजा लोग भी आ गए, बहुत लोग एकत्रित होकर के राजा के अगल बगल और चारों तरफ घेर करके बैठ गए। राजा विचार करने उस समय मंत्री तब नहीं है, कथा तो प्रारंभ में होगी मंत्री आने पर, राजा पहले आ जाए ठीक है, मंत्री जब तक नहीं आ जाए तब कथा तो प्रारंभ नहीं है, ये नियम होता है। तो देखो सब 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 लोग आगे हैं, 1200 लोग चारों तरफ है घेर करके मंत्री और राजा और मंत्री के आसन के चारों तरफ घेर करके बैठ गए। मंत्री आज आने में कुछ थोड़ा बहुत देर हो रहा, तो उसके देख करके राजा विचार करने लगे, अभी तो मंत्री नहीं है, मैं एक ऐसे सुंदर कहानी सुना जिससे प्रजा लोग हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए और मंत्री के जो है छोटा करके देखे, छोटा समझ छोटा करके देखे। ऐसे विचार करके राजा ने अपने वक्तव्य प्रारंभ कर दिया। वह वक्तव्य इतने सुंदर मधुर था, राजा ने कहने लगे हे प्रजा लोग सुनिए, आज एक सुंदर जो है सपना है मेरे आंखों में आ गया, अभी मैं भूल नहीं पा रहा। इतने सुंदर सपना न भूत न भविष्य हृदय के जो है द्रुभूत करने वाली वो सपना। तो इस कथा को सुनकर के राजा जब ऐसे बोलने लगे, सब सभा को सभा के जितने भी प्रजा लोग थे सब प्रजा लोग कहने लगे महाराज कृपया अपने सपने के बारे में बताइए, हम लोग सुनने के लिए उत्कंठित है। ऐसे प्रजा लोग जो बार बार कहने लगे, राजा विजय बोले भाई मौके को हम छोड़े भी नहीं दे, मौका मिल गया छोड़े। इसलिए राजा ने झट माइक ले लिया और माइक लेकर के बोलना प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ करें। देखो भगवत कथा को सभी लेखन करते हैं, सुनते हैं, माने चाहते हैं, किंतु देखो आश्चर्य की बात, सपने में ना जाने मैं एक दिव्य अलौकिक स्थान में मैं चला गया। चलते 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 मैं थक गया, मेरा प्यास भी था। कौन कर राजा कर रहे तो देखा कि हमारे प्यास लग रहे हैं और मैं क्या करूं। देखा निकट में एक दो कुआं था, कुएं ना दो तालाब था, क्या था दो तालाब, और वो तालाब में पानी जो है बिल्कुल लबालब भरी, इतने सुंदर तालाब, एक कॉइन को यदि छोड़ दिया जाए नीचे चला जाएगा, दिखाई पड़ेगा, बहुत सुंदर था, स्थान भी बहुत सुंदर है, तालाब भी सुंदर है, ऐसे राजा बोलते जा रहे। और वो देखो उस तालाब के पास और एक तालाब भी है, बिल्कुल जैसे राधा कुंड संकुंड है, इधर राधा कुंड इधर संकुंड है, तो उसी प्रकार मानो वो दोनों तालाब एक बराबर एक दूसरे और बीच में छोटा सा एक पगडंडी रास्ता जो है।
हजार लोग बोल सुन रहे, कहने लगे महाराज बताइए इसके बाद क्या हुआ। राजा प्रजाओं की उत्कंठा बढ़ाने के लिए कह दिया, अरे सुन ऐसे करके उल्टी सीधी बात करने लगे, किन प्रजा लोग छोड़ने वाले नहीं है महाराज, उस कथा को हमें श्रवण कराए सुनाई है, बहुत अच्छा कथा हम बताइए। तब उस समय कथा को सुन करके राजा कहने लगे, देखो सपने में क्या देखा, मैं और मेरा मंत्री दोनों जो है वो दोनों तालाब के बीच में जो रास्ता है ना मैं चला गया, तालाब के बीच में जो रास्ता जो मैं चला गया और देखा मेरा मंत्री भी आ रहे है, मैं आगे जा रहा था और मेरे मंत्री पीछे थे, बहुत इतने सुंदर रंग झिलमिल कर रहे हैं है, और पक्षी आदि कलर अप कर रहे हैं, अलग अलग सब दिखाई पड़ रहा है, दोनों तट इतने सुंदर सुसज्जित है। तो उसमें कि चलते चलते तालाब के किनारे पे जब मैं जा रहा था, वो तालाब भी जो था वो था खीर के तालाब था, खीर से स्वीट राइस पॉन्ड वो था, किंतु मेरा थोड़ी सी पैर फिसलने के साथ ही साथ मैं वो उस तालाब में मैं गिर गया, जहां पर बिल्कुल जो है खीर है भरी ठंडी ठंडी बच्ची की अच्छा लगा। अब मैंने कहते प्रभु तुम्हारी कैसी कृपा है, और मैं झटा झट जियासी के द्वारा वो खीर को मैं खाया, कितने सुंदर आज तक खीर का बहुत अच्छा। सभा के लोग सभी ताली बजाए, बोले महाराज कमाल कर दिया, सब अपने कपड़े को फाड़ करके रुमा बना दिया कार्य राजा कहने ना, मैं सपने में चलते चलते वो संगम स्थल था, इधर इधर एक तालाब था उधर एक तालाब था, जिसमें खीर की तालाब है उसमें मैं मेरे पैर फिसल गया। हाँ सुन ये पजार लोग बहुत ताली दिया, ताली बजाने के बाद कहते महाराज आगे की सपने की बात बताई है। तो राजा कहने लगे, देखो मेरा साथ मेरे पीछे में मंत्री आ रहा था, और मंत्री जो आया था और थोड़ी दूर आगे मंत्री इस तरफ फिसल गया, मंत्री के भी पैर फिसल गया, किंतु मंत्री के पैर फिसलने से इस तरफ जो था बाएं तरफ जो था वो पैखाना की जो है बिल्कुल सड़े गड़े दुर्गंध युक्त पैखाना के ही तालाब था, वो बहुत दुर्गंध। और मंत्री ने किया कि उस तालाब में गिर गया, उसी समय मंत्री आ गए, मंत्री कहने लगे महाराज सुनिए तो जो आप सपना देखा वो सपना मैं ही देखा। सब सभा के लोग सभी आश्चर्य होने लगे, राजा जो कहा बोले हाँ महाराज आपने जो कहा आपके पैर फिसल गए, आपने कहा गिर गए खीर के तालाब तालाब में गिर गए, और मैं जो है पैर फिसल जाने से मैं कहा पखाने के तालाब में मैं गिर गया है, दोनों एक ही समय। किंतु महाराज इसकी बात तो सुनिए ना, मंत्री कहने लगे, तो सभी लोग कहने लगे महाराज मंत्री लोग कह रहे मंत्री बस आप बताइए इसके बाद क्या हुई। मंत्री कहने लगे ये सभासद सुनिए, मैंने थोड़ा आप घूम करके देखा, मुंह घूम करके देखा, राजा तो खीर की तालाब में गिर गए हैं, और राजा ने गिरते गिरते और बिल्कुल बीच की तरफ जा रहे हैं, मैं सोचा तो बाहर कैसे आए, इसलिए मेरा कर्तव्य है राजा को बचाना। मैंने किया कि जल्दी जल्दी किसी प्रकार से जो है वो पैखाना की तालाब से बाहर आ गए, अभ्यास करके मैं गिर गया छलांग लगाई खीर की तालाब में, जहां पर महाराज है जाकर
और महाराज को मैंने उठाया। महाराज बहुत प्रसन्न भी है मेरे पति, और प्रसन्न होकर के और महाराज ने कहकर क्या करने लगे, मेरे मेरे शरीर के जैसे चटने लगे और मैं राजा के शरीर चटने लगे। मैं तब मन लगे, मैं खीर खाने लगे, राजा क्या खाने लगे, वही खाने लगे। कभी कभी हम दूसरे के निंदा बात, दूसरे के चुटकी बात करने के लिए जाए तो अपने ही तरफ आ जाता है। तो मैंने इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर भी कह रहे हैं, मुकुंद भेज पदवी सुदिवी विमृगम वंदे नंद वचनम पाद रुण वीक्षणश जासांग वरी कथो विदो पुनाति पुनत्र। अहो भगवान की ऐसे अमृतमय कथा गीत जो है भक्त लोग पुनः पुनः लेहन आदि करते चाटते हैं। ओहो कितने सुंदर मधुर कथा है। और यही भगवान की साथ गोपियों की जी कथा जो है ये त्रिभुवन क्यों क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। बोले और कथा को पवित्र नहीं करते, बोले करते तो है किंतु गोपियों के साथ कृष्ण की जो प्रेम विहार की जो कथा जो है वो एक है अनूठा कथा। उस कथा को श्रवण करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी तरस रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये उद्धव आदि बड़े बड़े देवता लोग बा भगवान के अत्यंत प्रिय जन है, और ऐसे ब्रज में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये उत्कंठा पूर्वक भजन करते करते श्री कृष्ण की लीला संग साधक के हृदय में उदित हो जाता है। क्योंकि जितने आपके हृदय में उत्कंठा जगेगा, क्या उत्कंठा, भगवान कैसे प्राप्ति हो, भगवान की लीलाएं प्राप्ति हो, वो उत्कंठा ही क्या करते हैं आपके हृदय में जागृत कर देते हैं, जगा देते हैं। कोई वस्तु प्राप्ति के लिए हमें क्या होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए ऐसा, और कुछ नहीं है। उसके कैसे पाप प्राप्त करो, उत्कंठा और आवेश। ब्रज रगन का भक्ति की दो विशेषण दिया गया, उत्कंठा और आवेश। उसके बिना रह नहीं सकता है। एक गुरु शिष्य के बोले गुरुदेव आप बताओ उत्कंठा क्या है, मत समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव बार बार एक ही शब्द की कह गई उसके प्राप्ति करने के लिए उद्धि हो उत्कंठित हो। शिष्य कहते गुरुदेव मेरे समझ में नहीं है। तो गुरु बोले ठीक है प्रैक्टिकल करा देता हूं। बोले काल प्रातः काल में जब मैं पोखर में स्नान करके जाऊंगा मेरे साथ आना। तो दूसरे दिन प्रातः काल में गुरु शिष्य के लेकर के स्नान करने कर रहे थे। तालाब की जल भी सुंदर सुशीतल था, देखने में बहुत सुंदर। शिष्य बेहद निकट में गुरुदेव भी निकट में जो है स्नान आदि कर रहे, स्नान कर रहे थे, हाथ पैर को शरीर को मल रहे थे। इतने समय गुरुदेव ने की जान बुझ करके शिष्य के क्या की उनके सिर को पकड़ करके पानी में जबरदस्ती डुबा दिया। और दो तीन मिनट ऐसे इसके बाद गुरुदेव ने कहा उसका सिर से हाथ उठा ली और धाव कर आ गए। अरे गुरुदेव मुझे प्राण रक्षा कर। गुरुदेव ने कहा अच्छा तुम बताओ जब तुमको मैं जबरदस्ती करके तुम्हारे सिर को मैं पानी में डुबा दिया था तुम्हारे हृदय में क्या भावना आ रहा था। बोले गुरुदेव एक ही भावना, मैं ऊपर से उठकर कैसे सांस ले लूं, क्या ले लूं सांस, और फिर उत्कंठा सांस लेने की उत्कंठा। तात्पर्य क्या, इस संसार में हम बहुत कुछ काम करते जा रहे हैं
किंतु जिस समय केवल एक भागवत छोड़ करके और कुछ लेने के लिए हमें उत्कंठा नहीं रहेगा, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, तब भगवत दर्शन हो जाता है। अभी संसार में अनेक प्रकार के हमारे भावना चिंता है, प्राप्ति करने की इच्छा है, अनेकों के, यहाँ तक कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति करने के लिए मन में तरह है। किंतु देखो साधन भजन करते करते ऐसे स्थिति आ जाएगा जिस समय जो है और कुछ नहीं जाएगा, केवल एक ही जो है भगवत दर्शन कैसे। सप्तव्रत मुनि तो वही कह रहे हैं, हे प्रभु मेरे हृदय में और कोई एक दूसरी इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा क्या है, कृपा दृष्टि विष्टाति दिनं बतानु गृहस्थ मामग में उक्ति दृश्य। आपके ऐसे सुंदर जो है स्वरूप जो है मेरी आंखों के सामने प्रकटित हो जाए और मैं आपका दर्शन करता रहूं। रूप गोस्वामी बाद श्लोक में वर्णन करते हैं, हे जुगल किशोर केसरी, आपको वृंदावन में जमुना की तट पर बंसी बट के नीचे दोनों जब एक साथ जुगल रूप में रहेंगे, आपकी दर्शन करते हुए और आपके सुख विधान के लिए मैं कब चामर डुलाते रहो। ऐसे सुंदर रूप हमें आंखों में आ जाए, नयन पथका में ऐसे आंख में आ जाए दर्शन बनो, क्योंकि भगवान के इतने सुंदर रूप वो कोई वर्णन नहीं कर सकते। जे रूपे एक कौन त्रिभुवन रूपाय, भगवान की ऐसे सुंदर रूप जो है वो रूप के एक छिटे कणा जो है विश्व ब्रह्मांड की क्या करते है डुबा देते। तात्पर्य क्या है, विश्व ब्रह्मांड के जितने सुंदर रूप है एक तराजू में रख दिया जाए, दूसरी तराजू में पल्ला में यदि भगवान की सुंदर रूप एक कण रखा जाए तथापि बराबर, इसलिए कहते जे रूपे एक कौन त्रिभुवन रूपाय, अहो भगवान कैसे सुंदर है। इसलिए कहते हैं भगवान कैसे सुंदर रूप, शास्त्र भी कहते हैं ये प्रभु हम ये दो आंखों के द्वारा आपके ये रूप क्या दर्शन करेंगे, क्या करेंगे, सहस्त्र आंख दे दिए, हजारों नेत्र दे दिए, हजारों कान दे दिए, हजारों मुख दे दिए, ये आपकी कथा आपकी सुंदर रूप हम दर्शन करते रहे श्रवण करते रहे। ठीक उसी प्रकार सप्तव्रत मुनि बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आपके ऐसे सुंदर रूप हमें दर्शन हो। यहाँ पर भी फिर गुरुदेव भी कहते हैं अनादि काल से जन्म मरण के काल चक्र से जीव इस संसार में फंसा हुआ है, उसके कारण वे देहात्म बुद्धि में डूबे हुए हैं। एक नहीं अनंत काल से हम इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं और करते करते देहात्म बुद्धि भी आ रही है, देह में आत्मबुद्धि देहात्म बुद्धि आ रही है, किंतु ये देहात्म बुद्धि नष्ट कैसे होगा, एकमात्र साधु गुरु की कृपा से ही दूर होगा। इसे कहते हैं न कभी साधन के बल है और न मैं के पांडित्य है विद्या है कुछ नहीं है, किंतु आप केवल अहितु की कृपा करके मुझे दर्शन अहितु कृपा है, कृपा बंधु दिया गुरुदेव, कृपा बंधु दिया करो ईदा से बिना अपेक्षा है, अहितु की कृपा हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो नहीं अहितु विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा संभव नहीं है,
एकमात्र भगवत कृपा से ही बा भक्त कृपा से गुरु कृपा से ही मुझे प्राप्त है। भगवत प्राप्ति की दो बता रहा, एक भगवान की कृपा और दूसरी भक्त की कृपा। किंतु भगवत कृपा सब जगह में नहीं होती, कथनचित कर कभी कभी वेरी रेयर। भगवत जो कृपा द मर्सी ऑफ लॉर्ड दैट इज वेरी रेयर, पता है। किंतु भक्त कृपा है वो अवेलेबल है, वो भक्त कृपा भगवान के भक्त भगवान के भक्त भक्त यानी भक्त कृपा हमें कैसे हो जाता है। कृपा भी कह रहे हैं, कृपा कैसे होता है, तीन प्रकार की कृपा हो जाती है। एक होता है क्या, हार्दिक बाची और आलोकदान। हार्दिक तुम्हारे हृदय में अपने आप प्रकट कर देंगे, जिस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय में स्वयं भगवान समस्त तत्व सिद्धांत सब कुछ प्रकट कर दिया, हार्दिक कृपा। हार्दिक बाजी वचन आदि के द्वारा जाओ तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति हो, वचन आदि के द्वारा। आलोकदान, आलोकदान किसे कहा जाता है, आंखों की दृष्टि आदि के द्वारा। संत महात्मा दृष्टि जो है ये अतीब महत्वपूर्ण है, वो आंखों के द्वारा क्या कर देते हैं, उसके हृदय में सब कुछ प्रकट कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब गए दक्षिण देश में, सभी लोगों के क्या किया, दर्शन दे करके उद्धार कर आलोकदान कहा जाता है। आंखों में एक तेज होता है, हम भी सुनते हैं शिव जी तृतीय नेत्र खोल दिया तो कामदेव के भस्मीभूत कर गए, जानते हैं। शिव जी तपस्या कर रहे थे और वो शिव जी के तपस्या भंग करने के लिए कामदेव आ गए, और कामदेव आने के अंग भंग आदि करके जब शिव जी के भंग ध्यान को स्टार्ट करने लगे और शिव जी ने किया कि तृतीय नेत्र खोल दिया थारा जी, और उससे इतने अग्नि की फुलिंग स्पुलिंग पाप आने लगे, कामदेव भस्मीभूत हो। तो उसी प्रकार भक्त लोग क्या करते हैं, अपने कृपा दृष्टि के द्वारा, दृष्टि आदि के द्वारा उनके हृदय में सारे तत्व माधुर्य जी के प्रकाश कर देते हैं। इसलिए दृष्टि भी बहुत, इसलिए हम कृपा दृष्टि करो प्रभु जगत प्रति जागरूक हृदय मोर सुमंगला रहती। और जब मंगलराज में कहते हैं कृपा दृष्टि की जाग अपनी अपने दृष्टि के द्वारा मेरे हृदय में प्रकाशित हो, इसी प्रकार से कहते हैं साक्षात रूप से दर्शन प्रदान करें। इसलिए कहते हैं भाग्य से यदि साधु संग मिल भी जाए तो भी साधु संग का प्रभाव हमारे हृदय में नहीं होता, कभी कभी किसी को भी मिल जाए किंतु अनर्थ रहने पर होता ही नहीं। क्यों, देखो लोहे में तो लोहा क्या करता है, आयरन चुंबक के आकर्षित कर लेते हैं, बस चुंबक लोहे के आकर्षण करता है, चुंबक लोहे के आकर्षण करता है। किंतु लोहे के ऊपर यदि जंग पड़े रहे तो चुंबक आकर्षण कर नहीं पाए, बात ही सही है। ठीक उसी प्रकार जिनके हृदय में अनादि काल से जो अनर्थ पड़े हुए हैं, इसलिए सत्संग प्राप्त करने पर सत्संग मिल भी जाए तब तो उसके महिमा समझ नहीं पा रहे, यही कहते हैं हम साधन भजन आदि के द्वारा अनर्थ को कैसे हम दूर करें। इसलिए कह रहे हैं भाग से यदि साधु संघ भी मिल जाए तो भी साधु संघ का प्रभाव हमारे हृदय पर नहीं होता, श्री गुरु वैष्णव पर पूर्ण विश्वास नहीं है,
मैं असहाय हूँ। मैं गुरु एवं भगवत कृपा से वंचित हूँ, मैं पामर हूँ। ये प्रार्थना करें कौन सत्यव्रत मुनि करें। मैं पापी हूँ, मुझसे नास्ति पापात्मा न अपराध न कश्चन। इसको कहते दैन कहा जाता है, दीनहीन हो जाता है। हाय हाय मेरे भांति पापी कौन संसार में। ये दीनहीन को जिसके हृदय में जितना ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ये प्रेम ही उनको क्या कर देते हैं, दीनता बना देते हैं। ये बिकम्स वेरी हम्बल। ये प्रेम ही इसलिए कहते प्रेम के परिपूर्ण शब्द कहा जाता है क्या, दीनता हम्बल। जब तक हमारे दिल में दीनता नहीं हो रहा है तो प्रेम उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। आज इसी का और इसी श्लोक में सत्यव्रत में कह रहे हैं, ओहो हे भगवान मैं तो पामर हूं, मैं पापी हूं, मैं असहाय हूं, मेरे कोई सद्गुण नहीं है, किंतु आप अपने आप कृपा करके अपने कृपा दृष्टि हमें पर वर्षित करें। अर्थात आप अपने कृपा दृष्टि के द्वारा हमारे हृदय में जो अनर्थ आदि जो है वो दूर करा दीजिए, और दूर करा करके फिर हमारे हृदय के शोधन करके निर्मल करके स्वयं उदित हो जाएंगे। यही प्रार्थना करें। अभी सप्तम श्लोक में हम प्रवेश करें। कुबेरात्म जो बद्ध मूर्त जदवत तया मचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकांगे प्रजच्छ नमोच्चे ग्रहो में उस्ति दामोदरे। फिर सत्यव्रत मुनि धीरे धीरे और भी माधुर्य रस के ऊपर अग्रसर हो रहे, चल रहे। करें क्या, हे दामोदर जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से जन्मे माता यशोदा के द्वारा उपकुल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिकुप्र नामक दोनों कुबेर के जो है, यानी दोनों पुत्र के जो है नल कुबेर मणिकुप्र दोनों पुत्र के आपने किया कि नारद ऋषि के साप से उद्धार करके उनकी सारी संपत्ति को प्राप्त करा दिया। अर्थात नारद ऋषि के क्रोध से ये नल कुबेर और मणिग्रीप जमलार्जुन बन गए। ये कथा आप लोगों ने श्रवण किया और उनकी पर परम परम प्रजन रूप अपने भक्ति प्रजान प्रदान भी की थी। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं संत महात्म की एक महिमा वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं हे प्रभु आप देने में समर्थ है, यदि कहो, यदि कृष्ण कहे ये नहीं नहीं मेरा दिल में समर्थ तो नहीं है, तुम मुझे ज्यादा कुछ बोलते जा रहे हो। आसान है, कोई यदि पूर्व पक्ष उठा करके कहे ये नहीं नहीं आप में समर्थ है, ऐसे नहीं कर, तो भगवान इसलिए यदि कहे, भगवान यदि कहे नहीं मेरा इतने समर्थ नहीं है, भगवान भी भक्ति को वंचना करने के प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार मानो स्वयं भगवान दामोदर कह रहे हैं अरे तुम इतने क्यों मेरा प्रशंसा क्यों कर रहे हो, प्रतिस्तुति करते जाओ, प्रतिस्तुति जाओ, प्रतिस्तुति माने एग्जैजरेशन, प्रतिस्तुति कर रहे हो, मेरे इतने क्षमता नहीं। तो इसी के जो है खंडन करते हुए सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कुबेरात्मो जो बद्ध मूर्ति पर जदवत तया मुझे तो भक्ति भाजो कृत हो तो जाओ। हे प्रभु ऐसे आप मत कहिएगा, आप तो सर्व सर्वसमर्थवान है, आपके बराबर संसार में कोई नहीं है, आपसे अधिक कोई होना तो संभव ही नहीं, और आप भगवान होने के नाते आप में दो गुण है, क्या है वो, कर्तुम अकर्तुम अनथा कर्तुम जसमर्थ स भगवान इति वाच्य।
है, कर्तुम अकर्तुम, जो होने वाले वस्तु को भी वो बिगाड़ देता है, बिगड़े वाले वस्तु के भी क्या कर देते हैं, समा देते हैं, सुधार देते हैं, ठीक कर देते हैं। ये भगवान की विशेषता है, इसे कहते कर्तुम अकर्तुम अनता कर्तुम जसमस्त भगवान इति वाच्य। इसलिए ये इसमें आपके समर्थ, आपका सब समर्थ हो बोले कैसे, बोले जिस प्रकार अपने माँ जसोदा के द्वारा दाम के द्वारा ऋषि के द्वारा बंधी हुई और नारद ऋषि के द्वारा अभिशाप प्राप्त, कुबेर धन कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव के अपने जमलार्जुन वृक्ष से भी मुक्त करा करके और नित्य धाम में भेज दिया ये, और वहीं पर जाकर वो क्या करने लगे जमलार्जुन, क्या करने लगे वहीं पर होकर के देखो और भगवान के गुण कथा कीर्तन करने लगे, जिसे कहा जाता मधुकंठ और स्निग्ध कंठ, नल कुबेर और मणिकृत भगवान की कृपा से उद्धार होकर के गोलोक में जाकर के मधुकंठ और स्निग्ध कंठ के रूप में विराजमान हुए और भगवान के ऐसे सुंदर सुंदर लीला कथा आदि कीर्तन करने लगे। इसलिए आप सब समर्थ हो, अर्थात जानी वृक्ष जनी से भी उनको उद्धार करके नल कुबेर मणिकर के मणिग्रीव जो है वृक्ष जनी से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपने प्रेम और भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सत्यव्रत मुनि ये कहते बार बार ये कहते जा रहे हैं, ये कहीं भगवान मुझे मुक्ति ना दे दे, भुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति दिया तारे प्रेम धन राखन लुकाई, भगवान जल्दी जल्दी प्रेम धन नहीं देना नहीं चाहते, भगवान क्या दे देते हैं, भुक्ति मुक्ति तक भी दे देते, इसलिए प्रेम धन राखन राखन लुकाई। बोले भगवान प्रेम धन क्यों देना नहीं चाहते, भगवान कहते हैं मैं इसको प्रेम दे दिया इसके मेरा स्वभाव है भक्त के प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत हो जाऊंगा और मुझे भक्त के अधीन होकर रहना पड़ेगा, महान भक्त पर अधीन जो स्वतंत्र ही बदी है, भगवान ने कहा हे दुर्वासा मैं स्वतंत्र तक मैं खो दिया, भक्त के प्रेम की रज्जिक रज्जु के द्वारा मैं बद गया, ये अहम भक्ता पर आधीन जब स्वतंत्र ही बदी है, जब मैं अपने स्वतंत्र जो खो देते हैं भक्त जैसे कहते हैं मुझे ऐसे करना पड़ता है, जैसे निचाते हैं ऐसे निचाते हैं, नाश्ता कठपुतली की भांति कठपुतली की भांति मुझे नचना पड़ता है, अच्छा बात नहीं सही सही सत्य ही के लिए, इसलिए भगवान कहते हैं मेरा तो मैं इसलिए प्रेमा भक्ति देना नहीं चाहता, इसलिए भुक्ति मुक्ति दिया तरे प्रेम धन रखें लुकाइया। बोले किसको प्रेम धन देते हैं, जो अत्यंत उत्कंठित हो जाते हैं, बोले ये नहीं चाहिए केवल प्रेम धन चाहिए, कैवल्य के ही प्रयोजन केवल भक्ति मुझे चाहिए बस और कुछ नहीं, कैवल्य के ही प्रयोजन कैवल्य ने केवल एकमात्र कृष्ण प्रेम छोड़ करके और हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जो भक्त के उत्कंठ हो जाते हैं भगवान उनको तप देते हैं प्रेमा भक्ति देते हैं, नहीं तो भगवान भी वंचना कर देते हैं, संसार की वस्तु देकर के वंचना कर देते यह पर प्रश्न करें, जो एकमात्र आपके चरण कमल का आश्रय करने वाली है
अथवा यह सुंदर रूप ही जिसका विषय है भगवान उसी की जय दे देते। प्रश्न इस प्रकार, इस विषय तुम्हारे भी आग्रह क्यों है? ये कुबेरात्मा की तरह की मोक्ष भी ग्रहण करो, अन्यथा जन्म वर्णादि संसार की प्राप्ति भी प्राप्ति तो हो सकती है। उत्तर कहते हैं, इस प्रेमा भक्ति भी मेरा आग्रह है, मोक्ष से मेरा आग्रह नहीं है। भगवान पहले क्या कहते भक्तों के लिए, संसार की वस्तु दे दे चले जाओ, है है। किंतु जब भक्त के एकमात्र एक एकांतिक आग्रह देखते हैं तब उसे देते हैं। इसलिए मोक्ष इसे करके सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, हे प्रभु आप मुझे वंचना मत करें, मोक्ष के मेरा किसी प्रकार से आग्रह नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रेमाभक्ति के द्वारा ही द्वारा यदि संसार ध्वंस होता है तो वो है, मैं यह यदि नहीं होता है तो न हो, इस विषय में मेरी अपेक्षा नहीं है। क्योंकि यहां पर एक कार्य है, जैसे गुरु भाव यह करें, यदि हाथ में चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए है, और किसी क्षुद्र वस्तु के लिए वो आग्रह नहीं करता है, आपके दो चिंतामणि, एक चिंतामणि दिया गया और इनके पास चार चिंतामणि है, कौन श्रेष्ठ, कौन सुभाग्यवान है? समझ में आ रहे हैं? कौन श्रेष्ठ कहा जाता है जिसके पास चार चिंतामणि है? आपके पास एक चिंतामणि, उनके पास चार, पर आपके पास चार चिंतामणि है, उनके पास एक, कौन श्रेष्ठ है? एक से चार का काम हो जाता है, एक से चार का काम हो जाता है। अरे जिसके पास एक है और जिसके चार है उसमें कोई अर्थ ही नहीं है, एक ही तो सब कुछ काम करते हैं, हैं? चार चिंतामणि जो काम करेगा और एक ही तो वही काम करेगा, इसलिए कार्य है। गुरु भाव के यदि हाथ में चिंतामणि हो तो सब कुछ स्वयं ही सिद्ध हो जाता है, किसी भी एक तुच्छ द्रव्य के ग्रहण करने के क्या लाभ है? चिंतामणि को चिंता करने के, जिस मणि के पास जाकर बैठे हुए चिंता करने के सबको दे देते हैं, वो चार यही तो, एक जो देगा चार तो वही देगा, तो चार में क्या जरूरत है? तो एक चिंतामणि किसी को प्राप्ति हो जाए और दूसरी पुस्तक लेने की हमें क्या जरूरत है? अथवा संसार, इस प्रसंग का दूसरा अर्थ इस प्रकार है, दामोदर आप निज विषय प्रेमा भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार पास से बंधा हुआ उदर है जिससे उसे संबंधित प्रेम भक्ति की प्रार्थना द्वारा नित्य काल के लिए पास बंधन से आग्रह की आशंका कर मुनि कह रहे हैं, क्या पास बंध से आपके मोचन के मेरा आग्रह नहीं है? यह पर एक सुंदर कार्य है, ये नलकुबेर मणिग्रह जो नारद ऋषि की अभिशाप से वृक्ष जनी प्राप्त कर लिया, कमलार्जुन जमलार्जुन बन गया है ना, तो भगवान ने उसको कैसे उद्धार किया? ना स्वयं बंधे हुए थे उखल में बंधे हुए थे, और बंधे होकर के भी ये दोनों की क्या कर दिया, नॉन कुबेर मणिग्री जो वृक्ष जनी में था उसके उद्धार कर दिया। ये कैसे संभव है? आपके हाथ बंधा हुआ है, मेरे भी हाथ बंधा हुआ है, हैं? तो कौन किसको बंधन मुक्त करा सकते हैं? हाथ दोनों की, कम से कम एक के हाथ खोल ये होना चाहिए, मुक्त होनी चाहिए ना, हैं? अंधा जथेन्द्र को नियमान अस्तभिसंतरुदाम नहीं बद्धा, जिस प्रकार एक अंध व्यक्ति दूसरे अंध व्यक्ति के जो है रास्ता दिखा नहीं सकते हैं, कम से कम जो रास्ता दिखा रहे हैं उसके आंख कैसे होनी चाहिए, हैं? खुला होनी चाहिए, आंख खोल करके
है, जो एक अंधे व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति के जैसे लेकर के बाद दिशा निर्देश नहीं कर सकते है। ठीक उसी प्रकार ही है, पर भी करें, किंतु आपके आश्रम जो है आप स्वयं बने हुए थे माँ जसोदा के द्वारा, वो ओखल से आप रस्सी के साथ बने हुए थे, रस्सी और ओखल बने हुए थे, किंतु इसे बंधन अवस्था में आपने क्या कि नल को मेरे मणिग्रीव को क्या कह दिया, उद्धार कर दिया है संसार से, संसार में संसार की बंधन से मुक्त करा करके साक्षात गोलोक वृंदावन में मधुकंठ सिंध कंठ के रूप में आप है भेज दिया है। इसे कहने हे प्रभु आपके विषय में क्या कहा जा रहा है, इसलिए प्रभु आप हमें वंचना वंचना न करें। मानो ये भगवान कह रहे हैं ये सत्य तुम तो बार बार प्रार्थना कर रहे हो प्रेम भक्ति प्राप्ति करने के लिए, देखो देखो तो मैं बंधा हुआ हूं, मेरे माँ मुझे बंद करके चले गई, मैं तुमको कैसे प्रेम प्रदान कर सकता हूँ। तो उससे भी उसके उत्तर देते हुए कह रहे हैं हे प्रभु ऐसा मत कीजिए, आप बंधन होते हुए पर भी बंधे हुए पर भी नल मणिग्रीव का हमने क्या कि उद्धार कर दिया, इसलिए आप सब समर्थ हो। विशेष करके यह पर कह रहे हैं ये वृंदावन में जो रहने वाले व्यक्ति जो है और जो भजन कर रहे हैं वो होती अवश्य ही तो परमा भक्ति प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि स्थान की भी एक महिमा है, कोई वृंदावन के रह करके निर्वाध निरअपराध से भजन कर रहे हैं उनके फल व्यर्थ नहीं जाएगा, नल कुबेर मणिग्री वृक्ष जनी प्राप्ति है, किंतु वृक्ष जनी होकर कहाँ रहने पड़ रहे हैं वृंदावन में, और वृंदावन में नंद गोकुल नंद महाराज के आंगन में है, ये कम सौभाग्य है क्या। इसलिए कह रहे हैं वृंदावन में जाने ब्रज में रह करके कोई भी व्यक्ति भजन जो कर रहे हैं है उसके प्रमा भक्ति तो होने स्वाभाविकता है, क्योंकि वृंदावन की एक विशेष वैशिष्ट कहा गया है, इसलिए कहते हैं धाम में वास करके भजन करने पर जो फल होती सहज रूप में प्राप्त हो जाता है, कुछ भी चाहे धर्म अर्थ काम हो तो अवश्य मिल जाता है, किंतु यहाँ पर क्या शर्त क्या है, अपराध नहीं, अपराध छोड़ करके, किंतु जब तक अपराध है धाम प्रभु उनके ऊपर कृपा नहीं करते, इसलिए उसका धाम के ऊपर एक आवरण जाली बिछा रहता है, इसलिए वो देख नहीं पाते, वो सोच रहे मैं वृंदावन में हूं किंतु वास्तव रूप में है कहां, वो धाम के ऊपर जो जाल जो जाल के ऊपर यही कहते जा रहे हैं। इसलिए कहने कृपा करी माया जाल उठाए जखन आके देखे सुविशाल चिन्मय भवन, जब जो मैं कृपा करके वो जाल के जो उठा लेते हैं माया जाल उठा पर्दा उठा लेते हैं तब दिखाई पड़ता है चिन्मय धाम दिखाई पड़ता, इसलिए धाम वास जो कहा गया निरअपराध होकर के धाम में वास करना चाहिए, कहीं अपराध के साथ रहे तो होगा ही नहीं, धाम वास की महिमा भी कहा गया है। तो इसलिए कहते कृपा करी माया जाल उठाए जखन आंखें देखे सुविशाल चिन्मय भवन, धाम में तो लोग रहना चाहते हैं किंतु कैसे धाम में रहे अपराध रहित अपराध छोड़ करके रहे, तो ये अपराधी दूर करने की
फिर करें कैसे होगा, करें आदमी श्रद्धा तत्व तो साधु संग भजन क्रिया अनुत्मृति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, इसके क्रम बता रहे हैं। श्रद्धा साधु संग आदि के ये क्रम बता रहे हैं धीरे 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 धीरे। क्योंकि महत्व की मुखारविंद से हरि कथा आदि श्रवण करते करते साधक के हृदय में अनर्थ आदि क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये सत्संग की महिमा, यानी सत्संग हमें प्राप्ति हो। इसलिए वित्रासुर के उपाख्यान भी आ रहे हैं, सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं। ममोत्तम श्लोको जनेषु सुखं संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी तन्मायता आत्मजात्मदार गृहेषु असक्त चित्तस्य ननातु भूत। सत्यव्रतमुनि करें हे प्रभु, मेरे पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार मैं संसार में रहूं, अपने माता पिता भाई बंधु परिवार के साथ रहूं, क्यों मेरे पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार। किंतु आपके निकट मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आपके जो निज जन जो है साधु जन जो है उनके साथ मेरे मित्रता हो। तो यह इस कथा को सुनकर के भगवान करे वित्रास सभी तो मेरा संग प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत संग हम करना चाहते हैं ना, भगवान की प्राप्ति हो। किंतु यहाँ पर वित्रासुर क्या प्रार्थना करे, ममोत्तम श्लोक जनेषु सुखं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सुखं, आपके जो जन जो है उनके साथ हमारा क्या हो, मित्रता हो। भगवान तो मेरे साथ नहीं, बोले नहीं क्यों, बोले आप तो विषय जाती हो भगवान, भगवान विषय जाती है और आपके भक्त आश्रय आश्रय जाते, प्रेम हमें चाहिए। इसलिए भक्त जन की महिमा यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसलिए ममोत्तम ममोत्तम श्लोक जनेषु सुखं संसार चक्री सकर्म भी तन माया आत्मजात्मदार गृहेशु असक्त न असक्त चित्त सन्ना को हुआ। ये प्रभु इतना ही प्रार्थना करता हूँ, घर में रहें माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार है, किंतु किसी के प्रति मेरा आसक्ति ना हो जाए। क्योंकि जीवों की बंधन के कारण क्या है, आसक्ति ही जीव के बंधन के कारण है। इसलिए कहते हैं अनासक्त होकर के रहे तो उसमें दोष नहीं लगते। जैसे कमल के पत्ता जो है कमल जल में रहता है, किंतु जल से वो कमल पत्ते जल के ऊपर से नहीं करते, जल में रह करके भी जल के जो पर्श नहीं करते कौन, कमल के पत्ता। तो उसी प्रकार संसार में रह करके संसार लोगों के प्रति हमारे कोई आसक्त नहीं है। इसलिए कह रहे हैं हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्म के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसी उसकी मेरा कोई दोष परवाह नहीं करते। परंतु मैं यहाँ जहाँ जहाँ जाऊँ जिस जिस जनि में मैं जन्म लूँ वहाँ भगवान की प्यारी भक्त की भक्त से मेरी प्रेम मैत्री बने रहे। स्वामी मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर के रहे उसके साथ मेरा किसी कभी भी प्रकार का भी संबंध न हो, यही हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं। लोग किसी भी अवस्था में हो सकता है, जिसके हृदय में यह रागानुगा भक्ति उदित होती है वह जगत का पूज्य बन जाता है। रागानुगा भक्ति उदित होना बहुत कठिन होता है, पर जगत की तो बात ही क्या, स्वयं कृष्ण विरह संतप्त, स्वयं कृष्ण भी विरह संतप्त गोपियों की कहते हैं तुम्हारी लीला कथा मृत अर्थात हलाहल विष है,
इस प्रकार और भी आगे कथा हम श्रवण करेंगे। मंझावल के पास कविता यदि हम ब्रज में वास करें और हमारे हृदय में अनर्थ है, अपराध की संभावना है, तो उसका विपरीत फल भी ले सकता है। जानबूझकर के अपराध करें तो दूसरी जानबूझकर के आप किसी की निंदा चर्चा आदि करें तो खतरनाक होता है। लेकिन जैसे हम दामवासियों को दाम को साधारण मान लेते हैं कभी कभी, वो तो बुद्धि कम होने की होता है, सुकृति का अभाव होने से उससे कोई दोष इतना लगता नहीं है। तथापि जहाँ तक हो सके हम निरपेक्ष होकर रहें, दूसरे के दोष न देख करके अपने भजन कर सकें, यही तो। अरे दूसरे के दोष नहीं देख करके, जो धाम में रह रहे उनके दोष नहीं देख करके अपने भजन साधन वो क्या कर रहे नहीं कर रहे, दोष को पता है, दूसरे के देखने ही हमें दोष आता है, वो क्या कर रहे नहीं कर रहे उससे हमें क्या।